गाइस कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से जा रहे हैं मॉन्स्टर स्कूल, बट इस बार का जो मॉन्स्टर स्कूल है वो काफी अलग मॉन्स्टर स्कूल है। ओके गाइस, तो यहाँ पर एक हवा में नेदर पोर्टल है एंड उसमें से एक रेड कलर का स्टिकमैन आके एक बिल्डिंग पर गिर गया और ये बिल्डिंग है अपने मॉन्स्टर स्कूल की। और एक सेकंड भाई, इस मॉन्स्टर स्कूल के सेंटर में एक स्केलेटन की खोपड़ी टांग रखी है। जो बच्चा स्केलेटन पढ़ता होगा वो भी सोचता होगा भाई कैसे मानव है ये, यहाँ पर उसके पूर्वज की खोपड़ी टांग रखी है भाई। बट एनीवेज, ये है हमारा मॉन्स्टर स्कूल और ये शायद से एक इन्वेंटरी वाला एरिया है। और ये बेचारा ऊपर से टपका और एक इन्वेंटरी वाले एरिया में आके गिर गया। ओके एनीवेज, यहाँ पर एंडरमैन और भाई ये विदर बॉस भी घूम रहे हैं मॉन्स्टर स्कूल में। अबे ये कब से पढ़ने लग गया, पहली बार देख रहा हूँ इसको यार। बट यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट हैं और सारे के सारे इसको देख रहे हैं भाई। यहाँ पर काफी नए स्टूडेंट हैं जो कि मैं देख रहा हूँ, ऐसा पहले नहीं थे। ये देखो ये दो दो किस्म की बकरियां घूम रही है यहाँ पर। उसके साथ में एक और कीड़ा था वहाँ। बट एनीवेज, यहाँ पर बेल बज चुकी है और अपने स्टीव सर ने भाई ये हीरो सर है, लेट्स गो। ओए भाई देख रहा हूँ विलेजर का बच्चा भी है वहाँ पर जो कि ज़ॉम्बी विलेजर है और वो भागने की कोशिश कर रहा है ये रेड स्टिक मैन। सर जी बोल रहे बेटा क्लास है तेरी, जा क्लास में। पर सर भी देख रहे भाई ये तो नया बच्चा लग रहा है यार, कोई है यहाँ कैसे आ गया भाई, भटक गया है क्या? नहीं भाई बोल रहे हैं और भाग रहे हो। ओ भाई सर के पास क्या ही खतरनाक पावर है भाई, भेज दिया क्लास में, लेट्स गो भाई। तो यहाँ पर वैसे तो काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं भाई, ये देख रहे हो ज़ॉम्बी बेबी भी पढ़ रहा है, उसका पापा भी पढ़ रहा है। ओके तो फर्स्ट लेसन है स्निकिंग। अच्छा तो ये है हमारी फर्स्ट क्लास और सर जी ने सबको टेलीपोर्ट कर दिया भाई। रात में पढ़ाएंगे क्या सर? वैसे डरने की बात नहीं क्योंकि जो भी डरावने वाले मॉब्स हैं वो खुद यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और अब इस अच्छा भाई सर ने अपने आप को डुप्लीकेट कर दिया, देखा तो पहली बारी किसकी है, मतलब चुपचाप से शायद से हमें हमला करना है, ये स्निकिंग करना है शायद। और ये देखो भाई अपना ज़ॉम्बी, ओ मरा नहीं बट हाँ अपना ज़ॉम्बी हार गया भाई ये राउंड। अब देखते हैं कौन है जो कि अच्छे से स्नीक, मतलब एकदम चुपचाप उसके पास जाएगा बंदे के और उसको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर अब मकड़ी की बारी है। तो कूदते भाई, कूदते कूदते जा रहे तो पक्का पता चल जाएगा ना पागल कहीं की। चलो वो भी मर चुकी है, अब देखते हैं किसकी बारी है। अब बारी है हमारे क्रीपर की भाई, ये तो दूर से फट जाएगा क्या पता कर भाई उसके पास जाकर। अबे बट वो खुद भी तो मर गया, ये तो टुकड़ों में कैसे भी कर गया। नाइस भाई नाइस, चलो यस भाई। और भाई वापस से सर ने अपने आप को डुप्लीकेट कर दिया और यहाँ पर क्रीपर फाइनली जीत चुका है। अब भैया शायद स्केलेटन की बाड़ी अपना जो एरो है ना, मतलब वो उसको रेडी करने में लगा हुआ है। मार 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 मार, वो बच गया स्टीव भाई, इसके पास जा रहा है तलवार लेकर। अबे कांप क्यों रहा है, ढंग से पूरा मारना, एक भी नहीं लग रहा भाई, कितने सारे तीर फेंक दिए स्नूबड़े ने। अब एक में भाई पूरे टुकड़ों में गाड़ दिया। एनीवेज लेट्स गो भाई, अब किसकी बारी है, ब्लेज की बारी है। ओ भाई इसने अपनी पावर और ज्यादा बढ़ा ली और ओए मार दिया। डैम भाई सबसे ज्यादा खतरनाक अभी तक का जो स्टूडेंट है ना वो है ब्लेज। पहला राउंड पास कर गया और कैसे चढ़ाते हुए जा रहा है भाई स्केलेटन को। बट अब विदर की बारी है, विदर वैसे काफी ज्यादा पावरफुल है तो मुझे लगता है आसानी से इसको मार देगा। अबे इतना भी आसानी से नहीं मारना था, एक मुक्के में ढेर कर दिया भाई स्टीव को। बट एनीवेज, और ये बेबी भाई जो बेबी होते हैं काफी ज्यादा तेज होते हैं तो इसीलिए मैं मानता हूँ भाई बच्चा मार सकता है। लेट्स गो भाई, बच्चे ने भी खत्म कर दिया भाई स्टीव को। अब किसकी बारी है, अपना रेड। अबे भाई मैं तो इस बंदे को तो भूल ही गया था, ये भी तो है, तो कैसे भाग रहा चुपके से कि किसी को। अबे डरा मत भाई एंडरमैन, अबे सब इसको मारने में लगे हुए, मत मारो भाई, हैंड्स अप कर रहा है भाई, मेरी गलती नहीं है कोई भी। पर ठीक है लेट्स गो। अब बारी किसके, देखो एकदम आराम आराम से भाई यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं रेड मैन। अब बारी है घास की। ओके तो घास शायद से दूर से हमला करने की कोशिश कर रही है एंड स्टीव ने उसको देख लिया है, उसको लग रहा है कि ये इतनी बड़ी है एक पेड़ के पीछे छुप जाएगी, किसको पता नहीं चलेगा। और अबे भाई उसका हक्का बोला उसी के ऊपर फेंक के मारा। बट अब है ये दूसरी स्पाइडर की। वो भाई साहब ये कुछ ज्यादा खतरनाक स्पाइडर थी भाई। ओ ओ विदर बॉस भाई, ये बॉस है यार खत्म भाई खत्म, लेट्स गो। सब हो ही चुके हैं। ओ भाई ये छोटा सा कीड़ा भी तो है, ये कहाँ होता है यार, ये स्ट्रॉन्ग होल्ड में मिलता है ना कीड़ा। ओ वाओ लेट्स गो भाई, इतनी उम्मीद नहीं थी मुझे उससे। बट एनीवेज एंटरमैन
क्या क्या पागलपंती क्या कर रहा है, डायरेक्ट मार रहे उसको जाकर। डरा रहा है बेवकूफ कहीं का भाई, गया क्यों डराया तूने उसको। बट एनीवेज ओ भाई स्केलेटन जानबूझ के देख रहा, कितना हराम ही हो रहा है भाई। रेड वाले बंदे को भेजा है, इसको क्या बोले हम, मटर जैसा मुंह है इसका, रेड मटर बोले क्या। बट एनीवेज एकदम स्पीकिंग कर रहा, देख रहा एकदम धीरे धीरे कि पता ही ना चले। और ओ भाई स्पाइडर ने अपने पॉपअप से वो निकाल दिए जाल। बट यहाँ पर हार गया भाई, हार गया। ओके तो पहला राउंड बचा रहा है, ये हार चुका है रेड मैन। वो बट सबसे मस्त अटैक जो मेरे को लगा था ना भाई वो था ब्लेस। और ये है स्कोर पॉइंट, देख लो भाई किसको सबसे ज्यादा मार्क्स मिला है। ये लाल वाले बंदे को देख रहे भाई कैसे कूद कूद के देख रहा है, इसको कितने मिले हैं मगर। एफ भाई फेल कर दिया बेचारे को सब इसको बोल हंस रहे भाई, देख रहे हो गलत बात है यार ये। बट एनीवेज ये है हमारी क्लास टू रनिंग, अब इसके अंदर हमें भागना है। ओके भाई स्पीड तो सही है। ओ भाई बच्चा आगे निकल गया, ये ज़ॉम्बी मुझे लग रहा है पिटेगा भाई इससे, देख लो कैसे बुली कर रहे हैं यार इसको सब, गिरा और दिया बेचारे को। बट एंडरमैन अच्छा है, उसका हाथ मुझे लग रहा है ये भी बुली करेगा। अबे भाई बदला ले रहा है इससे फर्स्ट क्लास का, ठीक है भाई चलो रनिंग भी हो गई। अब ये भाई पेड़ों के ऊपर कूदना है भाई इसमें, भाई बच्चा बहुत ही वो यार, स्केलेटन की ऐसी की तैसी लात मार के भाई रेड मैन को गिरा दिया यार बेचारा। चलो लेट्स गो भाई, अब स्विमिंग की बारी है, फोर्थ क्लास, सबसे आगे जा रहा भाई अपना बंदा। और ये क्रीपर हमें भाई साहब खतरनाक क्लास हो रही है। अब ये क्या है कुकिंग, अब यहाँ पर खाना बनाया जा रहा है, ज़ॉम्बी देख रहा है, सब देख रहे हैं भाई उसको बनाते हुए। और ये भाई विदर पागल हो गया है क्या, अबे ये क्या हुआ उसका खाना जला दिया भाई, भाई सब क्लास में फेल हो गया अपना, सब क्लास में भाई एक में तो पास हो जाता। बट हाँ यार सब इसको बुली भी तो कर रहे थे, ये भी तो देखो इसीलिए ये फेल हो गया। बट एनीवेज फर्स्ट कौन आ रहा है, क्रीपर फर्स्ट आ रहा है भाई। और ये कौन सी है फाइनल एग्जाम टीम रेस, अब सबको शायद से साथ में रहकर भागना है। ओ भाई ये पट्टा सा और पहना दिया भाई सर, सब सर ने ठीक है अब शायद से। बट ये रनिंग क्या होगी यहाँ पर, ओके तो वो भाई सर जी के पास देख रहे हो क्या उड़ने की पावर है। और यहाँ पर ये टीम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो यहाँ पर अपने रेड वाले बंदे के पास है स्केलेटन मकड़ी एंड एंडरमैन। चलो भाई चार चार की टीम हो चुकी है स्क्वाड की, अब देखते हैं ये आखिर जीतेगा कैसे इनसे। ये वहाँ कहाँ देख रहा है, अच्छा इसको अपने पोर्टल के पास जाना है, ये भी सोच रहा है भाई मैं गलत फंस गया यार इस जगह पर। बट एनीवेज यहाँ से अपनी रेस स्टार्ट होने वाली है। और ये क्या टोटम ऑफ अंडाइंग है क्या, ओ भाई साहब नहीं, अच्छा जो इस ट्रॉफी को सबसे पहले छुएगा या पकड़ेगा वो इस रेस का विजेता होगा, वो इस रेस को जीतेगा शायद से। बट देखते हैं भाई कौन सी टीम है जो कि जीतने वाली है, येलो ग्रीन या पता नहीं और कौन से कलर की टीम थी। और भाई साहब सर ने अपने कितने ज़्यादा डुप्लीकेट्स बना दिए यहाँ पर, वो ओके अब देखना है ये कि आखिर कौन सी टीम है जो कि जीतती है, ग्रीन रेड येलो एंड ऑरेंज टीम है यहाँ पर, सॉरी ब्लू। ओके यहाँ पर रेस अपनी स्टार्ट हो, भाई भागना जीतना नहीं है क्या तेरे को, अभी नहीं इसको तो अपने वहां पर जाना है ना पोर्टल के पास। बट एनीवेज यहाँ पर अपने हीरो ब्रैंड सर आराम से मजे से रेस्ट कर रहे हैं, पर क्या ये रेस करेगा, नहीं ये भाग रहा है पीछे की तरफ, हीरो ब्रैंड सर को पता चल जाएगा। नहीं यार क्या करना क्या चाह रहा है, ओ इसके दोस्त जो इसके साथ ही है वो हार रहे हैं, तो ये शायद से अपने दोस्तों की मदद करने वाला है, वैसे दोस्त तो नहीं है इसके ये, पर नहीं भाई ये मदद तो कर रहा यार। ओके तो यहाँ पर ये देख रहे चुपचाप से भागने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा ये सारी क्लास वो तो भैया अपना रेड मैन पोर्टल के पास जाना चाहता है, बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा इसको उड़ना तो आता ही नहीं है, तो अपने पोर्टल में जाएगा कैसे बेचारा, कैसे भी करके छत तक तो आ चुका है। बट ये वो देखो भाई कितना ज़्यादा ऊपर है इसका पोर्टल, वहाँ किससे आएगा, इसके पास तो इलाइट्रा भी नहीं है, देखते हैं। और ये इसके साथ ही लोग येलो वाले की टीम था,
ये घरे कहीं के भाई फर्स्ट क्लास में क्या सीखा था तुमने कि एकदम स्नीकिंग करके जाना एकदम आराम आराम से पागल कहीं के। इसकी टीम एकदम गधी है पर एनीवेज शायद से भाई यस लेट्स गो भाई। ये अपने दोस्तों की दोस्त नहीं है इसके भाई, ये इसके साथियों की मदद करने वाला है। भाई तू कैसे पीट रहे यार, गया एंडरमैन। वो भाई ये बंदा प्रो तो है। व्हाट ओके बट अभी भी गुस्सा है यार ये सब इससे पता नहीं क्यों। एनीवेज यहाँ पर और भी काफी सारे स्टीम आ जाएंगे, लेट्स गो। अब इसको कैसे मारेगा ये समझ नहीं आ रहा। मार भाई स्केलेटन जा आगे जा तू। कैसे धक्का मार रहा है भाई एंडरमैन। चल भाई चला दे यारो, ये नूबड़ा इसको चलाना ही नहीं आता, कहीं और लग जाएगा शायद से या मिस हो जाएगा। हाँ भाई कितने ये 5-5 स्टीव है। अबे भाई जब तेरे एरो नहीं लग रहे तो बस कर रहा, क्यों वेस्ट कर रहे है? ओ भाई साहब क्या उल्टा एरो मारा उसने भाई, उल्टा बू पकड़ के मारा और ये लग गया, ये कैसा लॉजिक है। वाओ अबे सारे ये बहुत ही तगड़ा था यार। बट एनीवेज भाई बेचारे को कैसे इग्नोर कर रहे हैं, ये ताली मारने के लिए बोल रहा था, ताली नहीं मारी किसी ने। अब यहाँ पर और भी काफी सारे स्टीव आ चुके हैं, अब यहाँ से कैसे एस्केप करेंगे। दो लैब से इन्होंने पार कर लिए बट ये है तीसरा लैब। अब देखते हैं आखिर ये डराने की कोशिश कर रहा है। भाई डरेंगे ही नहीं तेरे से नूबड़े कहीं के, ये देखो बिल्कुल ही डर रहे भाई इससे। अब यहाँ पर ही अपना दिमाग लगा रहा है रेड मैन, क्या कर रहा है। वाओ अच्छा ये एंडरमैन लाल वाले बंदे को मारने की कोशिश कर रहा है बट वो कैसे रिफ्लेक्स से बच रहा है और सारे के सारे बंदे मार दिए भाई उसने। यार ये सही था, तो हमने स्केलेटन की पावर भी देख ली, एंडरमैन की पावर भी देख ली, अब बारी है गैस तो कर ही लिया होगा भाई। और यहाँ पर सबके पास अपने पार्टनर है जो कि उड़ सकते हैं। अब यहाँ पर मकड़ी की पावर आएगी 101% मैं शोर हूँ। पता था मुझे वो पक्का अपनी स्पाइडर वेब का यूज करेगी मकड़ी। ये भाई बोल रहा था ना मैं, लेट्स गो भाई। ओ भाई इसकी टांग पर यार स्पाइडर वेब यूज करा है और वाओ अबे एकदम नूब से क्या प्रो बन गई ये टीम। ये देखो भाई सब कैसे लटक लटक के जा रहे हैं। तो अब बारी है ग्रीन टीम से पंगा लेने की और भाई साहब सबको उठाकर फेंक दिया, लेट्स गो। अब सामने ये क्रीपर की कौन सी टीम है। ओ भाई साहब यार फर्स्ट पर आ गई ये, अबे ये सब मिलकर मार रहे हैं लाल वाले बंदे को, भाई सब मिलकर मार रहे हैं यार, ये भी नहीं कि कोई बख्श दे। अबे नूबड़ा छोड़ के जा रहे हो अपने टीममेट्स को, ये नहीं कि बचाओ उसको, भाई सारे मिलकर मार रहे हैं यार इसको। ये देखो कैसे भागे जा रहे हैं पागलों की तरह, बचा लो बचा लो बचा लो भाई, सब ने घेर लिया। ओ डैम डैम डैम, चलो भाई फाइनली ये टीम वापस से एकजुट हो चुकी है। अब यहाँ पर भाई एंडरमैन देख रहे हो एक हाथ से इसको पकड़ रखा है, दूसरे हाथ से मारने में लगा हुआ है और ये ब्लेज को कैसे कंट्रोल में कर लिया इन्होंने। वाओ लेट्स गो भाई। तो यहाँ पर ये फाइनली ट्रॉफी के पास में आ चुके हैं, क्या ये जीत गए। हाँ तो फाइनली भाई जीत गए। पर ये क्या कुछ ढूंढ रहा है क्या, लेट्स गो। पर क्या हो रहा है ये, एंडरमैन टेलीपोर्ट करके इसको छत पर ले गया। अच्छा ये सबको बोल रहा है कि मैं उस जगह से आया था, मुझे वापस उस जगह पर जाना है, पर ये लेकर कैसे जाएंगे। ओ भाई निंजा टेक्निक देख रहे हो भाई ले जाने की, लेट्स गो। तो फाइनली अपना रेड मैन अपने घर जा सकता है बट वो नूबड़े को जा रहे हैं इसके साथ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। ओके तो ये नेदर में आ चुके हैं क्या, अपना रेड मैन नेदर में रहता है। वो
ये क्या सीन है? यहाँ पर एक ऑरेंज मैन भी है और इनके पास कुछ तो वेपन है भाई दोनों के पास। इसके पास माइनक्राफ्ट का ब्लॉक है, दूसरे वाले के पास गोल्ड का ब्लॉक है विद स्टिक। और ये वार्डन से फाइट कर रहे हैं ये दोनों। अबे नहीं, अच्छा भाई ये दोनों दुश्मन है भाई, लेट्स गो। यहाँ क्या हो रहा है भाई, मेरे को कोई भी आइडिया नहीं है, मतलब ये फाइट किस चीज पर हो रही है। अच्छा ये अंदर, ये अच्छा है जो वार्डन के साथ में बंदा है ना, वो अच्छा है। और जिसके पास मुकुट है वो विलेन है काइंड ऑफ, बट अपना रेड मैन भाई क्या ही खतरनाक तरीके से मार रहा है, बट हार रहा है क्या वो? इसमें वार्डन अच्छा है या बेकार है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अच्छा है शायद वार्डन। अच्छा और अपना जो ऑरेंज मैन है ना, वो उसको कंट्रोल कर रहा है वार्डन को। बट यहाँ पर भाई साहब सारी की सारी पावर्स है किसमें, मुझे पल्ले नहीं पड़ रहा। आखिर वो उड़ कैसे पा रहा है भाई ऑरेंज मैन जिसके पास मुकुट है? ओ बे भाई क्या ही बचाया वार्डन ने, लेट्स गो। ओके भाई कुछ कर यार रेड मैन। भाई उसने गोल्ड ब्लॉक को हटाकर वहां पर वो लगा दिया ऑब्सीडियन, सॉरी ऑब्सीडियन नहीं क्या बोलते हैं उसको, बट यहां ओ बे उसके मुंह पे फेंक कर मारा यार वो, आउच। जीत गए क्या ये? बट इसकी हालत खराब हो चुकी है। और ये कैसे ऑरेंज मैन है भाई, इसका दिमाग खोखला है, देख रहे हो आर पार दिख रहा है उसके, आउटलाइन बन रखी है उसके मुंह की। पर अबे अभी तो मर गया था, मुझे लगा कि वो क्राउन वाला ऑरेंज मैन खत्म हो गया, बट ऐसा नहीं है। बट एनीवेज गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को जोर से लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।